क्योंकि आज लोग है ना रेड लाइट फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। कोई भी बॉडी में से ना धुआं निकलने लग गया है, पता नहीं। हाँ ये देखो दिख रहा है ना, हल्का हल्का पानी है। ये पूरी गाड़ी ना ऐसे ऐसे हिल रही है, पूरी गाड़ी है। आयान कोई नहीं तो घर पे करा दे, बनाएगी तो सही। पता नहीं उसके अंदर घुसा कैसे क्या हुआ। मैंने कॉल किया तो उसने बोला कि मैं तो जिम नहीं जा रहा, मैंने कैंसिल कर दिया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग में आप लोगों को मेरी आवाज़ कुछ कुछ कम एनर्जी वाला व्लॉग स्टार्टिंग लग रहा होगा, क्योंकि मेरी है आज तबीयत खराब। और ये मेरे पीछे जो आदमी बैठा हुआ है, यानी कि मेरे पति देव, जिनको मेरी तबीयत से कोई मतलब नहीं है, मुझे कामचोर बता रहे हैं। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि मैं कामचोरी करती हूँ, इसलिए मैं बीमार होने का बहाना बना रही हूँ। क्या कह रहे हो? पहले मुंह का ठूस लो, खुद तो ठूसे जा रहे हो, बकवास कर रहे हो मेरे साथ। ये देखो पहले तेरे को ठूसवाया है। ये बता तेरी थाली भी रखे हैं हमें नीचे। एक दिन सेवा कर दी तो क्या हो गया, बीमार भी तो मैं। मेरी तबीयत खराब है, रोटी तो मैं तो ही खाऊंगी, पर सब्जी ना पूरा बॉल भर के लाना। अच्छा थोड़ा सैलेड भी ला देना, और मीठे में ना जो घेवर रखा वो भी ला देना। कितने झूठे हो यार। मैं झूठा हूं? हाँ, घेवर नहीं रखा था, सारा घेवर आपने, सारा किसने निपटाया? आपने। भगवान कितना लाए थे? तो साफ झूठ बोलते हैं। कितना लाए थे? 1 किलो लाए थे, 1.5 किलो लाए थे? मैं आधी किलो लाया। अच्छा आधी किलो था वो? हाँ। तो उस आधी किलो को पूरे को आपने खाया? मैंने सिर्फ इतना सा पोर्शन खाया था, सिर्फ इतना सा पोर्शन। उस दिन वो इतना बड़ा वो भेला भर के वो जो आता है उसका वो ला के रख लिया इसने, मैं इतना खाई। हाँ इतना ही खाऊंगी। कितने झूठे हो यार। इतना लियो पूरा, मैंने बोले तो खत्म हो गया, बोल नहीं अभी तो और रखा है, ये खा ले तो। इनकी थाली देखो पहले, ये कड़ी सब्जी है, डोंगा भर के कड़ी खाता है कोई आदमी, और फिर बकवास करते हो। पेट दर्द कर रहा है ना अपनी बारी में, पेट बीमार थी। ब्लॉग क्यों कर रही है? व्लॉग करना तो बहुत जरूरी है, बीमार हो चाहे कुछ भी हो, व्लॉगर्स के लिए व्लॉगिंग बहुत जरूरी है। कंटेंट कहाँ से लाऊंगी, क्या डालूंगी? फिर 3 दिन बाद आप तो कह दोगे कि कहाँ है व्लॉग, नहीं डाला तूने, है क्यों? आप तो कह दो कहाँ है व्लॉग, नहीं डाला तूने। अब आदमी बीमार हो चाहे कुछ भी हो, व्लॉग तो बनाना ही पड़ेगा। और अभी मेरी मटर आने वाली है थोड़ी देर में, स्कूल गया है वो, थोड़ी देर में आएगा, फिर देखते हैं वो क्या। वो तो वो अलग, और बाहर बच्चे खेल रहे हैं। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को बाहर का मौसम कैसा है। मौसम कुछ ऐसा है बाहर का, ये देखो ना बारिश हो रही है, ना धूप ही निकल रही है ढंग से, और जितनी बारिश होती है उतनी ज़्यादा और गर्मी हो जाती है। सुबह सुबह हुई थी बारिश थोड़ी सी, धूप भी निकली हुई थी और बारिश भी हो रही थी। और अभी आने वाली है अयान की बस, अयान को ड्रॉप करने के लिए। इधर दिखाती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं, देखो बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। और जो जामुन के पेड़ है ना, ये लगे हुए हैं, इन पेड़ों पे से जामुन गिरते हैं, ये पड़े हुए इतने सारे, क्योंकि मुझे लग रहा है ये मौसम चल रहा है ये वाला ना, जामुन वाला। तो ये बच्चे यहाँ खेलते भी हैं और ये वाले जामुन भी खाते रहते हैं यहाँ से उठा उठा के, बहुत सारे गिरते हैं ये। बहुत बच्चे आते हैं शाम को, दिन में, सब उठा उठा के खाते रहते हैं यहाँ से। और गाइस यहाँ पे रखी हैं मेरी दवाइयाँ, ये है प्रूफ कि मैं सच में बीमार हूँ। ये देखो कितनी सारी दवाइयाँ रखी हुई हैं, जितनी मेरे से ली जा रही हैं, जो लेने की हैं वो सब मैं ले रही हूँ, इसमें भी हैं और ये भी हैं। आई थिंक डिनर टाइम हो चुका है मैडम। डिनर क्या? डिनर करने चलना है ना, मैं बाहर चल रहे हैं। नहीं कोई नहीं तो घर पे करा दे, बनाएगी तो सही। ये पूरा फायदा उठाती हुई अपनी बीमारी का। दिन में तो बिल्कुल फिट एंड फाइन थी तू, जैसे जैसे डिनर लंच का टाइम होता है तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है। अरे नहीं दिन में ठीक हो गई थी, ऐसा नहीं है कि मेरे को दिन में मतलब काफी हद तक ठीक लग रहा था, लेकिन दोबारा से पैरों में दर्द। वायरल की निशानी है, वायरल या आलस, इन दो चीजों में से एक की निशानी होती है। गाइज आप बताओ, दो ही निशानियाँ होती हैं जब पाँव में दर्द होने लगता है शाम होते होते, या तो वायरल या आलस से, या तो आलस से हावी हो रहा होता है या वायरल हावी हो रहा होता है। नहीं खाना बनाने का आलस है, लेकिन अगर कोई नई डिश बता दो तो आलस नहीं आता। बोल दो आज ये बना दे, आज बोल दो ना आज जो है ना डोसा सांभर बना दे या बिरयानी बना दे, फिर तो पगलाई घूमती है, पता नहीं क्या मिल गया।
तो फिर जब मेरे को इतनी, जैसे नए रेस्टोरेंट ओनर को नया ऑर्डर मिल जाता है ना, कि किसी ने पार्टी ऑर्डर दे दिया और रेस्टोरेंट नया नया खुला। तो वही तो कह रही हूँ, जब मेरे को इतनी मेहनत करने में कोई दिक्कत नहीं होती तो खाना बनाने में क्या होगी। ये आलस थोड़ी सच में बीमारी, दवाइयाँ नहीं रखी थी खरीदर, ये मैं खो पूरा पूरा डब्बे में से ढूंढ ढूंढ के निकाल के खा रही हूँ। क्या क्या खाना चाहिए अपना दिखाओ ना, नमकीन ही नमकीन फूसे जा रहे हो, मेरा दिखा रहे ये रख रखा डब्बा ये जा रहे। तो अब डिनर नहीं मिलेगा तो आदमी क्या करेगा, बिस्किट नमकीन नहीं खाएगा। नहीं नहीं, मम्मी तो बहुत अच्छा खाते रही, अभी मम्मी को बोल दूं पराठे बना दो, 2 मिनट पराठे बना देंगे। मैं नहीं बनाती। तू पराठे तो नहीं बनाते ना, तू बोलते पराठे नहीं खाने, रोटी खानी। तो मैं मतलब, अरे मतलब तू ऑयल घी, अरे तो बेसिक प्रॉब्लम है। बकवास नहीं, अब बताओ रियलिटी। ये कि मम्मा चाहती है कि मैं खूब सारा देसी घी खाऊं। हाँ। मेरी बीवी चाहती है कि मैं हमेशा छरहरा रहूं। छरहरा रहा? छरहरा। वो क्या होता है? छरहरा। वो क्या होता है? छरहरा होता है छटा हुआ और हरा हरा। पेड़ होता है ना, जो पेड़ फैलता चला जाता है तो उसको साइड में छाट देते हैं, वो छरहरा होता है। वो हरा भी होता है और छरा छरा सा भी। अयान का छोटा फ्रिज है और अयान इसमें अपना खजाना रखता है। खोल के दिखा तो दे लोगों को क्या खजाना रखा हुआ है, दिखा दे। यहाँ दिखाओ, ओपन करो। कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट सब पड़ा हुआ है। कोल्ड ड्रिंक लेने आया था। दूध पिलाऊं? चलो दूध पिला देती हूँ। चलो दूध पिलाने में तो इसकी वो हो जाती है, और चॉकलेट भर रखी है। बेटा ये पानी की बॉटल निकाल लो बाहर, फिर गला खराब होता है, वो चॉकलेट्स पड़ी हुई है। कोल्ड ड्रिंक पीनी है? हाँ। नहीं बेटा गला खराब हो जाएगा, मम्मा का और रखा ऑलरेडी, आपका भी हो जाएगा फिर। अरे बेटा गला खराब हो जाएगा ना फिर। हाँ। वापस रखो, चलो ऐसे नहीं करते, फ्रिज इतनी देर तक तो खुला नहीं छोड़ते, रखो वापस। तो गाइज अभी मैं हूँ गाड़ी में, और मैं गई थी आज अपने गाँव मम्मी और बड़ी मम्मी और राहुल के साथ, वहाँ पे कुछ काम था इसके लिए हम लोग गए थे। बट रास्ते में वापस आते हुए इतनी तेज़ बारिश हो गई, इतनी तेज़ बारिश हो गई कि बाहर बहुत ज़्यादा पानी भर गया। एक तो मैंने ऑटो बुक करने की कोशिश करी तो ऑटो भी बुक नहीं हुआ अपने घर वापस जाने के लिए, क्योंकि 1.5 घंटे का ही काम था, ज़्यादा देर का काम नहीं था। बट बारिश इतनी तेज हुई कि यहाँ पे पूरे में पानी भर गया। और अभी मैं राहुल के साथ हूँ, ये मेरे को वापस छोड़ने जा रहा है मेरे घर पे, फिर ये जाएगा अपने जिम। लेकिन हमने अभी भी ना इतने सारे रास्ते चेंज करे हैं इधर उधर इधर उधर, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और पानी इतना ज़्यादा भरा हुआ है कि ऑलमोस्ट इसके यहाँ तक तो आ ही रहा होगा ऑलमोस्ट। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं गाड़ी के अंदर पानी ना आ जाए। मैं इसको बोल रही थी कि तू एक्सयूवी ले आता, पर ये कह रहा है एक्सयूवी में डीजल नहीं था तो इस वजह से ये लेके नहीं आया। मैं आपको बाहर दिखाती हूँ, बाहर इतना ट्रैफिक है। और हम दूसरी रोड से, हमने दूसरी रोड चूज़ करी थी कि भाई ये दो रेड लाइट्स कट हो जाएंगी, आगे तक जाएंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे। लेकिन उस रोड पर इतना पानी था कि हम इधर ही निकल आए, फिर कि कहीं वहाँ गाड़ी बंद ना हो जाए। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, इतनी देर से हम इसी रेड लाइट पर खड़े हुए हैं, मैं दिखाती हूँ बाहर का क्या सीन है, कितना ट्रैफिक और कितना पानी। गुड़गांव तो जो है वो डूब ही जाता है एक ही बारिश में। तो भाई बाहर के हालात तो हैं कुछ ऐसे, और मैं आ गई हूँ अपनी गाड़ी में। एक्चुअल में पीछे, बहुत पीछे खड़े थे हम, तो मैं अमन ऑफिस से जा रहे थे तो मैंने इनको फ़ोन किया, तो इन्होंने बोला कि मैं इसी रेड लाइट पे हूँ जहाँ पे मैं और राहुल खड़े हुए थे। तो मैंने राहुल को बोला तू मुझे यहीं उतार दे, मैं पैदल पैदल चले जाऊँगी, आगे हमारी गाड़ी खड़ी है, पीछे से तू मोड़ के वापस ले जा, क्योंकि अगर इस जाम में खड़े रहते ना तो बहुत देर लग जाती। मैं तो पैदल पैदल, मैं दिखाऊँ आपको ये अपनी चप्पल जो है निकाल के, और मैं तो नंगे पैर आई हूँ वहाँ से, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी, देखो गीला दिख रहा है ना बहुत ज़्यादा। ये देखो लड़ाई हो गई यहाँ पे इनकी, लड़ाई हो गई भाई, इनकी लड़ाई हो गई। ट्रैफिक में सब गर्म हो रहे हैं क्योंकि पानी इतना ज़्यादा भरा हुआ है, बारिश इतनी तेज़ हो रही है, और सबको जल्दी है जाने की। इधर देखो क्या हाल हो रहा है। तो गाइस हमारी गाड़ी में से ना धुआं निकलने लग गया है, पता नहीं, हाँ ये देखो दिख रहा है ना हल्का हल्का, पता नहीं वीडियो में आप लोगों को ढंग से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पर बहुत ज़्यादा धुआं उठने लग गया। और पता है ये बगल से गाड़ियां जा रही हैं ना, इतना ज़्यादा पानी है, ये पूरी गाड़ी ना ऐसे ऐसे हिल रही है, पूरी गाड़ी ऐसे। इधर इधर मत घुसाना, हमारी पहले ही धुआं निकल रहा है। और लोग बाग जो हैं, जो स्कूटी वगैरह पे हैं, वो पैदल पैदल घसीट के ले जा रहे हैं। और हमारी गाड़ी ने देखो ये कौन सा सिग्नल दे दिया, ये वाला पता नहीं क्या है ये सिग्नल, पर धुआं तो निकल रहा है इसमें से। इधर देखो पानी ये जा रहे सब पैदल पैदल। 10 मिनट का रास्ता था और हमें कम से कम हो गया है 40-45 मिनट्स हो गई है एक ही जगह पे खड़े हुए।
उस रेड लाइट से निकलने में बहुत देर लगी, क्योंकि आज लोग है ना रेड लाइट फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा, सब लोग जिसका जिधर से मन कर रहा है उधर से निकले जा रहे हैं, घुसे जा रहे हैं, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा है ना गाड़ी कभी भी बंद हो सकती है। और मुझे यही डर लग रहा है, भगवान किसी तरह बस घर पहुँचा दे, गाड़ी बंद नहीं होनी चाहिए रास्ते में। तो बहुत लंबा है बाहर निकल के देखा है। हाँ। रेड लाइट आ गई क्या? रेड लाइट दूर है अभी थोड़ी सी। अरे यार, तो हम तो यहाँ पिछले एक डेढ़ घंटा हो गया हमें खड़े खड़े। तो फिर अब क्या करना है, लेफ्ट वाले कट में लेना है? हाँ, उधर से ले। सुनो मेरी मानो ना, तो घुसा दो लेफ्ट में, देखी जाएगी। है पीछे ऑटो वाला लगा के बैठा यार, पीछे भी है क्या? करो करो करो, आगे वाला गया, आगे वाला गया, करो लेफ्ट में ले लो, देखी जाएगी। पानी तो बहुत ज्यादा भरा हुआ है, पर देखेंगे अगर बंद होएगी तो भी देखी जाएगी, क्योंकि इस हिसाब से तो हम रात भर खड़े रहेंगे यही। तो भाई अभी अभी पहुंचे हैं घर, और सबसे पहले चेक कर लेते हैं अपनी गाड़ी का इंजन, कहीं इंजन की बैंड ना बज गई। और तो दोनों मियाँ बीवी नंगे पैर, क्योंकि पैर इतने ज़्यादा गीले हो गए हैं। अपने घर की लाइट जलाई है, अब जाके अब देखते हैं इंजन का क्या हाल है। आया कुछ समझ में देख के? तो धुआं कहाँ से निकल रहा था? इंजन में से। अरे तो इंजन में ही तो कह रही हूँ, कुछ आया समझ में? नहीं। गरम भाप मार रहा है कितनी तेज। तुम वैसे भी चला के जब भी मार। इतनी गरम देखना, इतनी दूर तक आ रही है। अरे इतना ही रहता है, पानी टक रहा था उसको। हाँ वो शायद गरम था ना, इसलिए लग रहा है। हाँ तो गाइज आपको दिख रहा है 8:30 हो गए, 6:30 बजे निकली थी मैं घर से, वहाँ से मम्मी के घर से, और यहाँ पे पहुँची हुआ यार मैं 8:30 बजे। सोच हाँ गाड़ी में से ना धुआं निकलने लग गया था। अच्छा आपको किसने बताया? आपने तो फोन करके बताया था। अयान अच्छा अयान, हम इतनी देर में पहुँचे हैं, कब के निकले हुए हम? रेड लाइट 6:30 बजे निकल गई थी मैं, और अब देख 8:30 हो गए हैं। और पता है मामू ने क्या करा? क्या? वो तो शुक्र है मामू मुझे छोड़ गया बीच में ही। तो गाइस क्या हुआ ना कि जब राहुल ने मेरे को वहाँ पे बीच में ड्रॉप किया, वहाँ से मैं पैदल पैदल आई अमन के पास तक, और शुक्र है वो मेरे को ड्रॉप कर गया, क्योंकि वापस जाते हुए ना उसकी गाड़ी बंद हो गई। तुझे पता है मामू की गाड़ी बंद हो गई रास्ते में, वापस जाते हुए उसकी गाड़ी बंद हो गई। और बेटा पानी इतना ज्यादा पानी था कि उसकी गाड़ी तक, वो जो विंडो थी ना, शायद पता नहीं उसके अंदर घुसा कैसे क्या हुआ। मैंने कॉल किया तो उसने बोला कि मैं तो जिम नहीं जा रहा, मैंने कैंसिल कर दिया जिम जाना, और वो घर पहुंच गया है, वो वापस चला गया घर, वो भी बहुत देर में पहुंचा है। फिर पापा के पास फ़ोन कर रहे थे हम, पापा क्योंकि स्कूटी लेके जाते हैं, पापा के पास फ़ोन किया, पापा ने फ़ोन नहीं उठाया, मुझे पापा की टेंशन हो गई। फिर मैंने नीतू को बोला, मैंने कहा नीतू जब भी पापा घर आए आप मुझे ज़रूर बताना फ़ोन करके। तो फिर नीतू का फ़ोन आया कि दीदी पापा तो आ गए, आप पहुँचे हो कि नहीं पहुँचे हो? मैंने कहा हम भी नहीं पहुँचे अभी। तो आज तो बहुत मुश्किल से अंदर से कट कुट, और वो जो हमने लेफ्ट कट मारा ना वो हमारा बहुत बढ़िया डिसीजन था, उसकी वजह से हम फटाक से पहुँच गए घर। नहीं तो अगर हम वो लेफ्ट कट नहीं मारते ना यान, तो हम अभी भी वहीं खड़े रहते। और पता नहीं लोग कैसे कैसे, यार मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो लोग यान फुटपाथ पे रहते हैं ना, उन लोगों का मुझे बड़ा दुख लग रहा है, इतना पानी भरा हुआ है, वो लोग बेचारे कैसे सर्वाइव कर रहे होंगे, कैसे रह रहे होंगे। तो भगवान बरसो, लेकिन इतना मत बरसो, क्योंकि किसी किसी के लिए तो ये बारिश एक तरीके से एंटरटेनमेंट है, अच्छा है गर्मी कम हो रही है, बट किसी किसी के लिए बहुत दिक्कत है। तो इस व्लॉग को करते हैं हम यहीं पे एंड। इधर चढ़ो पहले, इधर चढ़ो पहले। इसका कहने का मतलब है अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। बाय 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 बाय, और अगले व्लॉग की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा देना। तो वो जो मम्मा ने प्रैंक करा था ना, कौन सा प्रैंक जो गिरने वाला था, उसका मैंने अभी तक बनाया नहीं है, उससे मैं पापा की एक बार बात करूंगा। अच्छा फिर बनाएगा है? हाँ फिर बनाएगा। ठीक है, बाय बाय।